अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अपने चैनल योर सक्सेस में वेलकम कहते हैं। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने और एक नए लेक्चर के साथ, शॉर्ट लेक्चर कि आप जल्दी में एक नई चीज़ सीख सकें, उसके साथ आपके लिए यहाँ एक नए वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेल्स रेलेवेंट, और हम इसमें सीखेंगे कि हम ब्रेल में डिवीजन के सवालों को किस तरह साल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसके डॉट्स आप देख लें कि डिवीजन के डॉट्स क्या होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले भी हो रहे हैं। पहले सेल में आपने 5-6 लिखना है और दूसरे सेल में आपने लोअर डी या 2-5-6 के डॉट्स लगाने हैं। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, तो पैटर्न इसका और मेथड्स जो हैं, ये जहाँ पर अभी पहला रूल 1 दिया जा रहा है, तो पहला तरीका कार इसका हॉरिजॉन्टल वे में है, जिस तरह हमने प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में सीखा था कि उसका हॉरिजॉन्टल वे भी है, वर्टिकल वे भी है, दो तरीके से लिखा जाता है। तो इसी तरह इसका डिवीजन का भी उसी तरह ही है, एक हॉरिजॉन्टल वे है। तो आज हम हॉरिजॉन्टल वे में देखेंगे कि पहली रकम लिखी, फिर डिवीजन के डॉट्स, डिवीजन का साइन लगाया, फिर दूसरी रकम लिखी, एक ही लाइन में एक ही सीध में अलाइन करके इसको कैसे लिखेंगे ब्रेल में। तो उसके लिए यही है कि आप न्यूमेरिक साइन के साथ पहली अमाउंट लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर डिवीजन के डॉट्स लगाए जाएंगे 5-6, 2-5-6, फिर नेक्स्ट अमाउंट बिल्कुल उसके साथ जोड़कर जो उसका डिवाइज़र है, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल साथ नेक्स्ट सेल में ही जोड़ कर लिखेंगे, स्पेस आप नहीं देंगे। इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो गई थी, और इसमें हमने देखा कि आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ब्रेल में भी और प्रिंट फॉर्मेट में भी। तो प्रिंट फॉर्म में आप देख लें कि लिखा हुआ है 25 और डिवाइडेड बाय है 5 और इक्वल टू उसका आंसर दिया हुआ है 5। तो ये एक ही लाइन में लिखी हुई हैं तीनों चीज़ें। तो पहले हमने न्यूमेरिक साइन के साथ हमने 25 लिखा, स्पेस दी, फिर डिवीजन के डॉट्स लगाए 5-6, 2-5-6, और फिर बिल्कुल साथ जोड़ कर ही न्यूमेरिक साइन के साथ हमने 5 लिख दिया, फिर स्पेस दी, फिर इक्वल टू के डॉट्स लगाए, और फिर बिल्कुल साथ जोड़ कर ही नेक्स्ट सेल में ही विदाउट स्पेस दिए बगैर ही हमने उसका आंसर 5 लिख दिया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें तो 75 डिवाइडेड बाय 3 और उसका आंसर इज इक्वल टू आया हमारे पास 25। वो भी एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। तो ब्रेल में इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप न्यूमेरिक साइन के साथ 75 लिखेंगे, स्पेस देंगे 5-6, अब आप डिवीजन के डॉट्स लगाएंगे 5-6, 2-5-6, और फिर साथ जोड़ कर ही नेक्स्ट सेल में आप विदाउट स्पेस यानी स्पेस दिए बगैर ही न्यूमेरिक साइन के साथ 3 लिख देंगे, फिर आप स्पेस देकर इक्वल टू का डॉट्स लगाएंगे और साथ जोड़कर ही उसका आंसर 25 न्यूमेरिक साइन के साथ लिख देंगे। तो क्वाइट इजीली आप जैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में आपने सीखा था हॉरिजॉन्टल वे में लिखने का तरीका, डिवीजन में भी वही है, सिर्फ डॉट्स का फ़र्क है। प्लस के डॉट्स आप याद करेंगे, माइनस के याद करेंगे, मल्टीप्लाई के करेंगे, इस तरह डिवीजन के डॉट्स आप याद करेंगे, उसके बाद लिखने का तरीकाकार बिल्कुल इजी है। आप एक चीज़ एक प्लस का अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको आ गया, तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक जो है पसंद आएगा और आया भी होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि जो ब्रेल लवर्स हैं उनकी ब्रेल मैथ की अच्छी हो जाए, टीचर्स की अच्छी हो जाए, स्टूडेंट्स को इसमें गाइडलाइन मिल सके उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको आप सबका बेहद शुक्रिया। मिलेंगे एक नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको अल्लाह हाफिज़।